guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. If you are new to my channel, let me tell you, my name is Jagruti and I'm here with my channel Jagruti Beauty Hub. Through this channel, I share makeup related videos. So, agar aap aur makeup related videos dekhna chahte hain, to please do subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get the latest notification whenever I post a new video. And a big thanks to all of you who have already subscribed to my channel. सो टुडे इन दिस वीडियो मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ और ये मेकअप लुक आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ये मेकअप लुक क्या होने वाला है. तो येस माई ब्यूटीज, ये आज मैं क्रिएट करूंगी ये ब्यूटिफुल क्रिसमस लुक. सो आई क्रिएटेड दिस लुक फॉर क्रिसमस. आई हैव अप्लाइड दिस रेड लिपस्टिक क्योंकि रेड एंड व्हाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिसमस. सो एंड हेयर इज द ट्री ऑल्सो, यू कैन अज्यूम इट एज अ क्रिसमस ट्री. मैंने ये आई मेकअप किया है जो कि थोड़ा न्यूट्रल ही है. मैंने ज्यादा डार्क आई मेकअप नहीं किया है बिकॉज लिपस्टिक मेरी डार्क थी. तो ये जानने के लिए कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया, इफ यू ऑल आर रेडी लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो. तो मैंने स्किन केयर कर लिया है. अब मैं ये मैक की स्ट्रोब क्रीम यूज करूंगी और इससे क्या होता है, इससे आपके फेस पे शाइन आती है. तो मैं इसे अपने जो भी एरियाज को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ पे लगाऊंगी और फिर उससे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से. आप देख रहे हो इस स्ट्रोब क्रीम से कैसे नेचुरल ग्लो आया है मेरे फेस पे. नेक्स्ट टू प्राइम माई फेस मैं यूज करूंगी ये नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. तो इसे मैं अपने हैंड्स पे थोड़ा सा रब करके और अपने टी जोन पे अप्लाई करूंगी. नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का बेबी लिप्स लिप बाम और इसको मैं अप्लाई करके अपने फिंगर से इस तरह से जेंटली रब करूंगी. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का फाउंडेशन. ये एक पंप में है तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ पे निकाल के मैं एक लिक्विड हाइलाइटर इसमें मिक्स करूँगी. ये लिक्विड हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का. तो मैं इससे ड्रॉपर से निकालूंगी और फाउंडेशन में ही मिक्स कर दूंगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूंगी और उसी से डैबिंग स्टार्ट कर दूंगी. तो फाउंडेशन से हमने बहुत अच्छे से अपना बेस सेट कर लिया है. अब मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी का कंसीलर इन दी शेड 10 और इसे मैं अपने अंडर आइज पे लगाऊंगी इस तरह से और अपने नोज़ पे भी लगाऊंगी. जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग चाहिए, एक्स्ट्रा फोकस चाहिए अपने फेस पे, वहाँ मैं कंसीलर लगा दूंगी. और फिर सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे डैब डैब कर दूंगी. मैं अपने आईज को सबसे एंड में करूंगी, उसका रीजन आपको पता है, ताकि क्रीजेस ना फॉर्म हो. तुरंत मैं लूज पाउडर से अपने अंडर आईज को सेट कर दूं. तो कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लूज बनाना पाउडर और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ब्रश पे लेके और एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करके और मैं अपने अंडर आईज पे लगाऊंगी इस तरह से. नेक्स्ट कंटूरिंग के लिए मैं यूज करूंगी ये नायका की कंटूर स्टिक और कंटूर मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप का. इससे क्या होता है कि आपका फेस का जो शेप है वो बहुत शार्प लगता है और आपका मेकअप बहुत सुंदर लगता है. कंटूरिंग से क्या होता है कि अगर आपकी डबल चिन है इस तरह से तो वो भी आप इसे रिड्यूस कर सकते हो सिर्फ कंटूर से.
अब मैं कॉन्टोर को भी शार्प एजेस दूंगी, तो मैं क्या करूंगी इस ब्यूटी ब्लेंडर पे, ये ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है, इस पे मैं थोड़ा सा लूज पाउडर लूंगी और जहाँ मैंने कॉन्टोर किया है उसके नीचे इस तरह से अप्लाई करूंगी ताकि मेरी कॉन्टोरिंग बहुत शार्प लगे। नेक्स्ट ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी एले कलर्स का पैलेट और इसमें मैं ये वाला पिंक शेड यूज़ करके और अपने फेस पे एक ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी इस तरह से। बहुत इजी एप्लीकेशन है इस ब्रश से, तो मैंने ब्रश लगा लिया है। उसके बाद अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सिवाना कलर्स की हाईलाइटिंग हाईलाइटर पैलेट और इसे मैं अपने चीक बोन को और अपने नोज़ को और चिन को सबको हाईलाइट करूँगी। तो आर बेस इज़ रेडी टू बी फिक्स्ड, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर और इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे करूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके जेंटली डैप डैप कर दूँगी ताकि जो भी ये स्प्रे है वो सोक इन हो जाए मेरी स्किन में। ब्राउज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की ब्राउ पेंसिल और एक स्पूली की हेल्प से सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़ को कॉम करूँगी और फिर अपने पेंसिल से अपनी ब्राउज को फिल करना स्टार्ट करूंगी। बिगिन विद द आई मेकअप, मैं सबसे पहले यूज करूंगी एल्फ कॉस्मेटिक्स का आईलिड प्राइमर और इसे मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी और फिर एक फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपने आईज पे ताकि मेरा मेकअप जो भी मैं अप्लाई करूं वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की 32 कलर पैलेट यूज करूंगी और इसमें ये वाला शेड यूज करके मैं अपने लिड्स पे अप्लाई करूंगी इस तरह से और ये गोल्डन शेड है, गोल्डन शेड में अप्लाई करूंगी अपने लिड्स पे। उसके बाद मैं ये ब्राउन शेड यूज करके और अपने कॉर्नर्स पे अप्लाई करना शुरू करूंगी। फिर मैं सेम पैलेट में से ये बोन शेड यूज करके क्लीन ब्रश पे लेके और जो मेरी क्रीज है उस पे लगाऊंगी और अपने दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सेम प्रोसेस मैं अपने दूसरे आई पे भी रिपीट करूंगी इसी तरह से। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू कलर का आईलाइनर और इसे मैं अप्लाई करूँगी एक विंग क्रिएट करके। लोअर लैश लाइन पे भी मैं इसी तरह से आई शेडो अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं गोल्डन आई शेडो अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं जो मैंने ब्राउन शेड यूज किया था वो अप्लाई करूंगी। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का काजल और इसे मैं अप्लाई करूंगी।
कम्प्लीट माई आई लुक आई एम गोना बी कर्लिंग माई आई लैशेज विद अ कर्लर और उसके बाद मैं ये कलर बाका मस्कारा लूँगी। इसमें लेंथनिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं इस बार और अपने लैशेज को कर्ल करूँगी इस तरह से। फाइनल स्टेप ऑफ द मेकअप लिपस्टिक और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट और इसमें ये रेड शेड यूज़ करके मैं एक ब्रश की हेल्प से रेड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, रेड बीइंग द क्रिसमस कलर। इसी हाइलाइटिंग और करनी थी अपने फेस पे तो मैं अपने चीक बोन पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी और अपने फोरहेड पे भी। एंड यस आई एम कंप्लीटिंग द मेकअप लुक नाउ। यस गाइस ये था मेरा क्रिसमस लुक। आई होप यू गाइस गोना लव दिस ट्यूटोरियल। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो योर रिव्यूज अबाउट दिस मेकअप एंड I'll see you super soon in my next video. Till then, bye!